हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर विल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक घरेलू उपचार जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपकी स्किन से पिंपल्स, मुहासों या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है, टाइनी बम है, खुजली है, इस टाइप की हर एक समस्या को खत्म करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीम फेस पैक को किस प्रकार हम अपनी स्किन में अप्लाई करके हमारी स्किन के जो पिंपल्स, दाने, खुजली, एक्ने, इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो नीम का इस्तेमाल पिंपल्स को ठीक करने के लिए कोई नया नहीं है। नीम के लेप को इसका इस्तेमाल बहुत पुराने यानी प्राचीन काल से, हजारों साल पुराने समय से हमारी दादी नानी या हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपनी स्किन यानी अपनी त्वचा को ठीक करने के लिए यूज़ किया करते थे। क्योंकि नीम में ऐसी औषधीय गुण पाए जाते हैं, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन औषधि के रूप में किया गया है। क्योंकि इसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जो कि आपकी स्किन में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, खुजली, पिंपल्स, मुहासों को ठीक करता है। इसके अलावा अगर स्वेलिंग वगैरह प्रॉब्लम को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। तो इसके अलावा नीम हमारी स्किन में बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है जिससे हमारी स्किन में पिंपल्स वगैरह ठीक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिंपल्स होने का जो सबसे बड़ा कारण है हमारी स्किन का ऑयली होना। बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है तो ऑयली स्किन वालों को खास करके पिंपल्स एंड मुहासों की दिक्कत हो जाती है। कि ऑयली स्किन में क्या होता है, हमारी जो सीबम या जो हमारी स्किन है ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती है, जिसके कारण हम कई बार अपनी स्किन का उतनी अच्छे से ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारी स्किन में जो ऑयल का प्रोडक्शन जब होता है तो हमारे पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड वही ऑयल बाद में जाके बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ हम पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पल्स वगैरह भी बन जाता है। तो बस जो नीम है अपनी औषधि गुणों के कारण हमारी स्किन में बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, पोर्स को साफ करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक कटोरी में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का लेना है। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही बेस्ट क्लेंजर है जो कि स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, साफ़ करता है। पोर्स जब साफ होते हैं तो ऑयल, इसके अलावा जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे ठीक हो गई, यानी आपकी स्किन में जब ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो पोर्स क्लॉग नहीं होगे एंड आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह नहीं होगे। उसके बाद हमें एक भरा हुआ चम्मच यानी मुल्तानी मिट्टी आपको जितनी लेनी है उससे दोगुना आपको यहाँ पे नीम पाउडर लेना है। अगर आप कच्चे नीम के पत्ते आपको मिल जाए तो आप उसका पेस्ट बना के लगा सकते हो, लेकिन कच्चे नीम के पत्ते हमें नहीं मिलते, इस वजह से नीम पाउडर भी आप ले सकते हो, मार्केट में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे नीम पाउडर को मिक्स करें। उसके बाद नीम पाउडर अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हो गए तो उनको ठीक करेगा, नहीं है तो उनको नहीं होने देगा। है एक चम्मच शहद की। शहद हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है एंड पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ के आसपास आधा चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वैसे तो हर एक को इसके फ़ायदे पता है, स्किन में पिंपल्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम को खत्म करके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसको मिक्स करना है रोज़ वाटर से। जी हाँ, रोज़ वाटर से अच्छे से मिक्स करें। रोज़ वाटर स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, पोर्स को साफ करता है, शीन करता है। तो इसके बाद अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स करें। प्रिपेयर हमारा मैजिकल फेस पैक या नीम से बना हुआ लेप जो कि हम अपनी स्किन में जब अप्लाई करेंगे लगातार 7 बार आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको स्किन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे देखने को। तो आपको इसको यूज़ किस प्रकार करना है, हो सके तो इसको रात में यूज़ करें, बोलते हैं, अदरवाइज़ आप इसको दिन में भी कर सकते हो, लेकिन करने के तुरंत बाद आपको धूप में नहीं जाना। तो आपको क्या करना, अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए आपको किसी क्लेंजर का या फिर रोज़ वाटर यानी गुलाब जल को कॉटन में ले चेहरे में अप्लाई करें। 1 मिनट के लिए अप्लाई करें, उसके बाद कॉटन से साफ़ कर दें, चेहरा पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, पोर्स साफ़ हो, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। मेकअप वगैरह है तो इसको डबल आप क्लीन करें, यानी पोर्स साफ़ होने चाहिए, मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लेप को हमें अपनी पूरे स्किन में अप्लाई करना है। अगर आपको पिंपल्स वगैरह हैं तो उस जगह पे आपको थोड़ा सा डबल लेयर अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको छोड़ देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद आपको ठंडे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है। यहाँ पे मसाज नहीं करना, मसाज करने से हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा तो जिससे हमें पिंपल्स और बढ़ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको छुड़ाने के बाद आपको पहले तो रोज़ वाटर चेहरे में अप्लाई करना है,
उसके बाद इसके 5 मिनट बाद किसी हल्के मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें। ध्यान रखें, हल्का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र को यूज़ ना करें, अदरवाइज आपकी स्किन को पोर्स को क्लॉग कर सकता है एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये रेमेडी है इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करें, एंड 3 बार यूज़ करें। उसके बाद आप लगातार इसको 2 से 3 वीक आप इसको फॉलो करोगे, रिज़ल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन के पिंपल्स, दाने, खुजली, इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को मेल एंड फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। इसके अलावा 12 साल से कम एज वाले बच्चे यूज़ ना करें, ऐसे तो उनको नुकसान नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमें दाने, फिंसी, फोड़े वगैरह हो जाया करते थे, तो हमारी दादी जो थी आप नीम की पत्तियों का पेस्ट या नीम की जो छाल होती थी उसको घिस कर उसका पेस्ट लगा दिया करती थी, जिसके कारण हमारी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको अवॉइड करें, 12 साल से ऊपर वाले सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।